भाई नहीं पहुंच पाए, हम नीचे नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही खाना बनाना पड़ा क्योंकि रास्ता साफ नहीं था आगे। मतलब रोड क्लियर नहीं है? नहीं नहीं, रोड क्लियर नहीं है, बहुत मुश्किल आई है हमें। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से नीचे जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। हमारी खट भी बुक थी वहाँ पे। जी जी जी, तो यही रास्ते में ही रह गए। तो वहाँ तक आप यहाँ से ही वापस जाओगे? यहाँ से वापस जाएंगे। खट भी बुक थी वहाँ पे। जी जी जी, तो यही रास्ते में ही रह गए। तो वहाँ तक आप यहाँ से ही वापस जाओगे? यहाँ से वापस जाएंगे। जाई घाटी में जब एक मूवी की शूटिंग के लिए एक टीम पहुंची तो उन्हें अपने एक्टर्स और कैमरा के साथ बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। आखिरकार क्या कारण रहा, आप तस्वीर में जिस तरीके से देख पा रहे हैं जाई घाटी की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी तक बर्फ का मार पूरी तरह से नहीं खुल पाया है। लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का मार्ग अभी भी ठप पड़ा है। जाई घाटी पहुँचते पहुँचते सबसे पहले तो ये तस्वीरें ही आपको बयां कर रही हैं कि किस तरीके का ये मार्ग है, और पासिंग प्लेसेस तो छोड़िए लेकिन क्या ढंग से भी गाड़ियों चलने की बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन जब हमने रास्ते में ही उनको खाना परोसते हुए देखा तो हमने जब बातचीत की तो वो बातें आपके सामने इस समय आप सुन पा रहे थे कि किस तरीके से वो लोग बयां कर रहे हैं कि जाई घाटी में हमने जाना था, हमने हट भी बुक किया था लेकिन नहीं पहुंच पाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। सर पहुंचे आप इस समय जाई घाटी में? नीचे तक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए, हम नीचे नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही खाना बनाना पड़ा क्योंकि रास्ता साफ नहीं था आगे। मतलब रोड क्लियर नहीं है? नहीं नहीं, रोड क्लियर नहीं है, बहुत मुश्किल आई है हमें। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से नीचे जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। हमारी खट भी बुक थी वहाँ पे। जी जी जी, तो यही रास्ते में ही रह गए। तो वहाँ तक आप यहाँ से ही वापस जाओगे? यहाँ से ही वापस जाएंगे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये लोग जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ मेन स्पॉट है वहाँ तक तो रोड बंद है, बर्फ़ का अभी तक चादर वहाँ पे लिपटी हुई है, तो सड़क का मार्ग नहीं खुल पाया, उसके कारण किस तरीके से जो है ये LG प्रशासन तक बात पहुँचाने का प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ग्रिफ 114 RCC BRO के अंडर ये रोड है तो ये हालत देख सकते हैं, अभी तक सड़क का मार्ग जो है, और विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होने वाली है। हालांकि फिल्म मेकर्स से बातचीत के दौरान एक डायरेक्टर ने जब बातचीत की हमारे साथ, उन्होंने LG प्रशासन का धन्यवाद किया जिस तरीके से वो फॉलो अप ले रहे हैं और इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस से आपको पूछा जाता है कि साहब आप आ रहे हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, वरना नोबडी वॉज बॉदर्ड अबाउट इट। JNK की ये जिसे कहते हैं कि दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ बॉदरेशन किसी को नहीं, जो अब लग रहा है कि यार कुछ तो बदला है, एंड दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट थिंग। रिजॉर्ट्स बड़े अच्छे बन गए हैं, पहले तो वो भी नहीं थे, अब रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खाने पीने की है। जो यहाँ पे हमें अब थोड़े दिन पहले चाहे लॉकडाउन था या कुछ भी, हमें चाय पीने के लिए एक कोई रेस्टोरेंट तक नहीं मिला, एक बेकरी की शॉप मिली वो बहुत दूर जाके, सिर्फ एक, तो थोड़े से बिस्किट सामने लेके आए। अदरवाइज वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आता है उन्हें खाने पीने की काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफी हाउस और कैफेटेरिया ऐसा खुलना चाहिए, यही दिक्कत है यहाँ पे, अगर वो भी खुल जाए तो बहुत ही अच्छी जगह है। आपको बता दें इस समय हम जाई घाटी में है, जहाँ पर इस समय बर्फ का जो है एक चादर जो है लिपटी हुई है, और काफ़ी दिनों बाद जो है यहाँ पे आने का मौका मिला है, और इस समय आप पीछे जो मशीनरी देख पा रहे हैं जो इस समय बर्फ हटाने का काम कर रही है, ये जाई घाटी में इस समय काम चल रहा है। आने वाले दिनों में जहां तक हमारे को जानकारी है सूत्रों के हवाले से, यहां पे जो कुछ स्नो फॉल होने के बाद जो विंटर में जो कुछ खेल होते हैं वो यहां पे जो है कुछ जो कंपटीशन या कुछ जो कहें तो वो यहां पे आयोजित किया जाएगा, यानी कि विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहां पे होने वाली हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहां पर जो है ग्रिफ की अंदर जो 114 RCC के द्वारा जो है सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और हालांकि अपने आप में ये एक सवाल भी है, ये अभी तक क्यों नहीं लोगों ने इस रोड को ओपन किया है, और आज काफ़ी समय के बाद जो है, और जिस तरीके से हमारा इनके अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है लगातार बर्फबारी होने के कारण ये सड़क जो है खुलने में इस समय लग रहा है।
और तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस प्रकार से जो है इस समय भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ जो है यहाँ पे इस समय जमी हुई है। और अभी तक जो है जाई घाटी का जो एंड पॉइंट है यानी कि वहाँ तक बर्फ नहीं हट पाई है। जाई घाटी में कितने दिन बाद पहुँचोगे आप? यहाँ पे अभी बर्फ बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा, ठीक है। तो हमारे मशीन काम कर रही है, लगातार लगे हुए हैं हम लोग, देखते हैं कितने दिन लगती है इसकी। मैं आने वाले दिनों में एक यहाँ पे टूरिस्ट का एक मेला लगने जा रहा है, क्या तब तक आप बर्फ हटा पाएंगे इस रोड से? अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ आपको, लगे हुए हैं अगर जो बर्फ काफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा है। आप खुद देख सकते हो, आप खुद यहाँ पे हो, 4 फुट बर्फ है कम से कम, तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है। इतने दिन से सर अभी तक क्लियर क्यों नहीं कर पाए आप इस रोड को? इतने दिनों से आप खुद देख रहे हो कि बीच में फिर से बर्फ हो रही है, बर्फबारी हो रही है नीचे, फिर जहाँ से ख़त्म किया फिर वहाँ से फिर से जहाँ से शुरू किया फिर से दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ रहा है, आप देख ही रहे हो। इस समय हम जाई घाटी में मौजूद हैं, जहाँ पर इस समय जो है एक फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे मूवी की शूटिंग के लिए वो लोग जो है यहाँ पे उपस्थित हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने फोकस करने की प्रयास करें। वहाँ पे इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ियाँ जो हैं आधे रास्ते में हैं, और अभी तक जो है जाई घाटी नहीं पहुँच पाई, और जो शूटिंग इन्होंने जाई घाटी में करनी थी वो अभी तक जो है यहीं पर जो है अपना कहीं स्पॉट देख के यहीं पे जो है शूटिंग यहाँ पे की जा रही है। मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा। इस साइड जो है थोड़ी दूरी के बाद जो है आगे मशीन लगी है जो बर्फ़ हटाने का काम कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आज तक जो है इस बर्फ़ हटाने का काम क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया जाई घाटी के लिए। अगर ग्रीफ के बात करें तो लगातार जो है ग्रीफ की जो शिकायतें सामने आती हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बात को दबाने का प्रयास भी जो है ग्रीफ द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और मैं आपको क्लिप्स में भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि अगर आप सोचिए इस समय ये लोग मुंबई से यहाँ पहुँचे हैं शूटिंग के लिए कि जाई घाटी में जाके फिल्म की शूटिंग करनी है। LG प्रशासन अगर इतना जो है सपोर्ट दे रहा है बॉलीवुड को कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अगर दूसरी तरफ ग्रीफ की बात करें तो उनकी ये हालत है कि अभी तक बाकी पासिंग तो छोड़ी है, लेकिन अभी तक जाई घाटी तक यह रोड जो है क्लियर नहीं किया गया। कारण क्या है ये आए दिन आपको जो है ग्रीफ के बारे में जानकारी है, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर बताना चाहूँगा कि अभी तक जाई घाटी के लिए सड़क क्लियर नहीं है। और प्रशासन अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आने वाले दिनों में इसी फरवरी में जो है यहाँ पे होने जा रही है, और अगर मेन जो लोकेशन है वहाँ तक रोड क्लियर नहीं होगा तो किस तरीके से जो है ये इवेंट जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। दूसरी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा फिर से, मुझे अफसोस होता है कि ये लोग इतनी दूरी से यहाँ दूर आए हैं जाई घाटी में, मुंबई से पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक जो है सड़क का मार्ग जूं का तूं पड़ा हो। और आज जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि इनको पता चला है कि यहाँ पे शूटिंग के कुछ लोग आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है मशीनरी को ला के वहाँ से आगे काम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये सड़क काफ़ी दिन पहले जो है इन्होंने यहाँ तक क्लियर किया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं काम ठप था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस समय हम जाई घाटी में हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लोग बॉलीवुड से आए हैं, मुंबई से, जम्मू कश्मीर की धरती पे आए हैं इस समय भद्रवाह जाई घाटी में। और ये लोग जो हैं आपको बताना चाहूँगा जाई घाटी तक नहीं पहुँच पाए, ये बीच रास्ते में शूटिंग कर रहे हैं अपनी। आप सोचिए कितनी जो भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है कि अभी तक जो है ये देखिए आप ये रोड अभी तक जाई घाटी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया। काफ़ी समय पहले हमने एक स्टोरी की थी, लोगों की रिजेंटमेंट थी कि यहाँ पे जो है रोड की पासिंग का कुछ इशू है, ये है वो, तो कहीं ना कहीं उस बात को लेके एक ऐसी बात कही गई कि नहीं जी आप जो है रोड क्लियर है आप ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन आपके सामने है अब कारण क्या है, क्या बर्फ़ ज़्यादा है और इनका जो मशीनरी है वो जो मेन पावर है वो कम है, या कारण क्या है? क्योंकि एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जहाँ तक ये पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा कि अगर इतनी मेहनत से LG प्रशासन कोई जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहा है तो ग्राउंड जीरो पे भी इसको देखने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले की जानकारी डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी को भी दी गई है, और उम्मीद है कि वो इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ बाकी अपडेट के लिए, तब तक दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।